मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भारत के डॉक्टरों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय डॉक्टरों ने वो कर दिखाया है जो अभी तक दुनिया भर में कहीं भी नहीं किया गया। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में पहली बार किसी इंसान के शरीर में गाय की नसें ट्रांसप्लांट की गई हैं और ये सफल कारनामा कर दिखाया है हरियाणा के गुरुग्राम में आर्टेमिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने। आर्टेमिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सऊदी अरब की रहने वाली एक साल की इस मासूम हूर को नई जिंदगी दी है। दरअसल इस मासूम को एक पैदाइशी समस्या थी। इसकी पित्त नलिकाओं के ठीक से विकसित ना होने की वजह से इसकी लीवर तक खून नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से हूर की तबीयत खराब होने लगी। हूर के माता पिता ने वहीं सऊदी में डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने भारत जाकर इलाज कराने की सलाह दी, जिसके बाद हूर के माता पिता अपनी बच्ची का इलाज कराने गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल पहुंचे। यहां के डॉक्टरों ने बच्ची का सफल लिवर ट्रांसप्लांट किया, जिसमें बच्ची के नए लिवर तक खून का संचार करने के लिए गाय की नसों का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरेबिया में इसका बिलरी बाईपास का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा और इवेंचुअली उनको यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए वहीं के लोकल डॉक्टर्स ने बताया, क्योंकि एक बड़ा एक वेल रिकॉग्नाइज हब है लिवर ट्रांसप्लांट का पूरे जो एशियन और जो इस सब कॉन्टिनेंट में, काफ़ी इंडिया का लिवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में नाम है। अब हमारे इंडिया में तो कैडेवरिक डोनेशन होता ही नहीं है और जो वेन है उसको 7 दिन से ज़्यादा प्रिजर्व करके रख नहीं सकते हैं। अब बच्ची की वेन तो ऑलमोस्ट ही नहीं, तो अगर हम जोड़ दे तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाती नए लिवर में। उसके बाद तो काफ़ी अच्छा फ्लो आया और आप देखिए बच्ची आई थिंक 15वें 16वें दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। डॉक्टरों का दावा है कि दिल्ली NCR में ये ऐसा पहला लिवर ट्रांसप्लांट है जो इतनी कम उम्र की बच्ची का किया गया है, जबकि दुनिया में ऐसा पहला लिवर ट्रांसप्लांट है जिसमें नए लिवर तक ब्लड सर्कुलेशन के लिए गाय की नसों का इस्तेमाल किया गया है। इन नसों को दूसरे देश से मंगाया गया है। इसमें पोर्टल वेन जो उसका डेवलप नहीं था उसको रिप्लेस करने के लिए एक बोवाइन जुगुलर वेन यानी गाय के गले का वेन उसको यूज किया गया है, सो दैट वो वेन सफिशिएंट साइज का हो। बच्ची का लिवर ट्रांसप्लांट 14 घंटे चला और महज 2 हफ्ते बाद हूर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर हूर के पिता अहमद ने भारत का और अस्पताल के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर मैं अस्पताल, यहाँ के डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भारत के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग डॉक्टर के काम से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट आया उससे मुझे बेहद खुशी है। भूर के माता पिता गुरुग्राम के डॉक्टरों को भगवान से कम नहीं मान रहे। उनका कहना है कि धरती के इन भगवानों ने उनकी मासूम बच्ची को नई जिंदगी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।